कन्नड़ इंडस्ट्री की तरफ से एक मूवी आई है कांतारा, जिसने पहले भी KGF, 777, 40 जेम्स जैसी मूवी को भी हिंदी में रिलीज किया है। तो दोस्तों, मैंने कांतारा मूवी देख ली। कांतारा का हिंदी मतलब होता है रहस्यमय जंगल। तो बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो कहानी है 1843 के दशक की, जब एक राजा ने एक गाँव के लोगों को देवता पंजूरी की मूर्ति के बदले एक पूरा जंगल दे दिया था। लेकिन 1970 में राजा के वंशज गाँव वालों से जमीन वापस मांगते है, तो अचानक देवी गोड गायब हो जाते हैं और कुछ दिन बाद राजा के वंशज की मौत हो जाती है। फिर 1990 के बीच की कहानी को बताया गया है। तो अब उस जंगल पर और जंगल की हर चीज पर उन गांव वालों का ही अधिकार था। लेकिन एक दिन वहाँ एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, जो उस जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाना चाहता है। मतलब कि वह कहता है कि ये जंगल सरकार का है, इस पर गाँव वालों का कोई अधिकार नहीं है। इसके आगे क्या क्या होता है, यह आपको मूवी देखने पर पता चलेगा। मूवी में जो सीन शूट किए गए हैं एकदम रियल से लगते हैं। इसमें जो रिसर्च की एक्टिंग को दिखाया गया है वो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। इस मूवी को जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप यह रियल में ही देख रहे हो। और इंटरवल के बाद कहानी एक दिलचस्प मोड़ ले लेती है। और इस मूवी को जब आप शुरू से एंड तक देखोगे तो इसका जो क्लाइमेक्स है ना, आपको हिला कर रख देगा। फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है। इस मूवी का बजट मात्र 16 करोड़ रुपए है। मात्र इतने कम बजट में ऋषभ शेट्टी ने इस तरह का मास्टरपीस मूवी बनाकर दिया है, जो बॉलीवुड के मेकर्स 400 से 500 करोड़ में भी नहीं बना पाते। वैसे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।